लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन 13वें रोज भी जारी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज लॉकडाउन में नरमी की गई है। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वहीद गुजर जी। वहीद बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के हवाले से आज 13वां रोज़ है, जबकि आज छुट्टी का भी दिन है। अमूमन जिस तरह से गुज़श्ता दिनों रश जो देखने को मिल रहा था रोडों पे सड़कों पर, मगर आज वो रश जो है काफ़ी कम जो देखने को मिल रहा है। मगर रोडों पर जो इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनसे हम आपको जो है बात करवाएंगे, और कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये हैं पुलिस जवान जो कि अपनी जान हथेली पर रख के जो है ना सिर्फ शहरी को आगाही दे रहे हैं बल्कि जो है आने जाने वाले को पूछा भी जा रहा है कि वो क्यों और किस वाले से कहां पर जा रहे हैं। सर, शुरू शुरू में जब स्टार्ट हुआ था उस दिन थोड़ा सा मुश्किल पैदा हुई थी, लेकिन अब बहुत लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं और बड़े प्यार मोहब्बत अखलाक से बात भी करते हैं, और उनको भी पता है कि जो दफ़ा 144 लगी है डबल सवारी पर पाबंदी है, और कोई भी डबल सवारी जाता है उनको हम ये भी हिदायत करते हैं घर से जब निकलें तो फजूल ना निकलें। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इनका कहना है कि गुज़श्ता दिनों की बनिस्बत जो है अब हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो ये ड्रमी भी दी गई है, और ताकि साबुन भी रखा गया ताकि ये हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो है ये अपने हाथ को मुँह को जो है अच्छी तरह धोएँ। मगर साथ ही साथ ये असल हीरो हैं जो कौम की हिफाजत भी कर रहे हैं, साथ साथ आगाही भी दे रहे हैं। मगर साथ साथ आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जितना घरों में रहेंगे उतना ही इससे इस वायरस से बचा जा सकता है। जी